हेलो गाइस, तो स्वागत है सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और शादी की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है एंड अभी निकलने वाले हैं चाचा के खेत पे, वहाँ पे वाड़ी पे। भाई तू मुझे ब्लॉग शूट करने देना भाई, भाई ये बीच में बहुत आ रहा है। तो अभी निकलना है वहाँ पे एंड थोड़ा लिस्ट वगैरह तैयार करना है, लिस्ट बनाना है सबको, भाई कॉल करके बोलना भी पड़ेगा। तो चाचा और भैया वहाँ पे सब वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो, निकलते हैं अभी। ओके गाइस, तो अभी हम आए हुए थे यहाँ पे भैया की वाड़ी पे और आज हम चला रहे हैं भाई लोहा। सब लोग बोलते हैं ना भाई, असली जो होते हैं वो चलाते हैं लोहा। लेकिन भाई एक बात बताऊं, ये बुलेट है ना वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है। जो अभी मैं बताऊं ना, ये जो लोग जो डेली गांव में सिर्फ घूमना होता है, ज़्यादा रेंज नहीं होता है, कोई बाहर नहीं जाना होता है, क्योंकि ये बाइक ना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका हैंडल है ना पूरा हिल रहा है, ऐसे 100 के ऊपर जा रहा है। तो भाई वैसे तो सही है, इसका साउंड भाई बुलेट का एकदम बुलेट का साउंड बहुत मस्त होता है। देखो विजय भाई यहाँ पे हमारे, और वो देखो भाई वो वहाँ पे बैठ ऊपर ऊपर जाके पूरा नजारा दिखाओ, ऐसा बोल रहे हो भाई सिस्टम। चलो दिखाते हैं। ओ हेलो, देखो भरत भाई भाई खड़े हो गए हमारे भाई, ये नजारा बहुत ही मस्त है। आए भाई, भाई लोकेशन और देखो भाई, आओ चाय पीते आ जाओ। ओके, तो भरत भैया की और विजय भैया की अभी खेत पे है, तो यहाँ पे दो भाई दो दो बुलेट यहाँ पे रख के ना अभी भाई इसको देखो भाई भाई ये देखो छोटा भाई नूना बच्चा क्या बोलते हैं इसको भाई, ये साइकिल यहाँ पे गाइस, यहाँ पे दो दो बुलेट पड़ी हुई है और वो साइकिल चला रहा है भाई, बताओ। ये सही बात है जो बोलते हैं ना कि जिसके पास होती है उसका उसकी उसको कोई परवाह नहीं होती, तो ये बात सही है। कदर नहीं परवाह नहीं होता, कदर भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसा। अभी यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट हम वगैरह कर रहे थे एंड अभी एक दो फोटो और वगैरह लिया भाई, बहुत मस्त आ रहे हैं फोटो। भाई क्या बोल रहे हो तुम, तेज साइकिल क्यों चलाता है भाई? अरे रो मत, कुछ नहीं हुआ, रो मत, चल चल चल। ओ डर रही है, डर रही है। ओके गाइस, तो फाइनली अभी राम भाई के खेत पे आए हुए थे और भाई ठंड बहुत है ना भाई, बहुत ठंड, इतनी ज्यादा ठंड है। और यहाँ पे देखते हो भाई मौसम, भाई क्या ही मस्त सीन आ रहा है भाई पीछे। और ये देखो छोटू को, धवन धवन हाय बोल दे धवन एक बार भाई। बच्चे को बहुत मजा आता है जब भी YouTube में व्लॉग में आते हैं, तो मैं इसलिए ज्यादातर बच्चों को लेता हूँ। एंड पीछे ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो चने हैं। एंड भाई आज यहाँ पे तो सभी, जहाँ पे भी मैं जो रहा हूँ हर जमीन पे चने ही चने। यहाँ पे पास में देखो चाचा का, यहाँ पे भी चने। एंड भाई ये भाई राम भाई वहाँ पे बुलेट स्टार्ट कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। तो अभी जाना है घर पे अभी गाइज ना, इतने टाइम से अभी 10-12 दिन बचे हुए हैं भैया की शादी को। अभी भैया की शादी होने वाली है, 10-12 दिन के आसपास बचे हुए हैं। एंड काम इतना ज़्यादा काम है गाइज कि टाइम ही नहीं मिल रहा है व्लॉग शूट करने का, फिर भी मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। एंड बहुत सारा काम गाइज, अभी 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में हालत जो ख़राब होने वाली है। फिर भी भाई एक बात अगर बोलते हैं तो सही तो है। एंड इतना ज़्यादा भी अच्छा मैरिज जो शादी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं हो कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे जो भैया है वो अभी डेथ हो गए, जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में भी आपने देखा होगा। और 35 साल की उम्र थी भैया की, बहुत मिस कर रहे हैं हम। भाई मैरिज होता है या कुछ भी शादी वगैरह होता है तो भाई याद तो आती है, मेरे पापा भी नहीं है तो उसकी भी याद आती है, भैया की भी। और यहाँ पर जो चाचा थे उसके साथ भी मैंने व्लॉग बनाया था, उसकी भी भाई बहुत याद आती है। तो इसलिए भाई बहुत ही बोलते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आ रहा है, कोई भी शादी वगैरह कुछ भी हो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन करना पड़ता है ना, क्या करेगा इस। ओके, तो अभी यहाँ पे निकलने वाले और राम भाई बोल रहे हैं एक वीडियो शूट कर दे, एक वीडियो शूट कर दे, तो उसको एक वीडियो शूट कर देता हूँ।
ओके गाइस, तो अभी रात के बज चुके हैं 1 और अभी हम फोटो एडिट करने के लिए गए थे स्टूडियो वाले ये भैया जो है हार्दिक, मैंने दिखाए थे तो हार्दिक के पास गए थे, वीडियो फोटो वगैरह एडिट किया जो भैया की शादी में रखने वो एडिट किया। तो भाई रात के 1 बज चुके हैं एंड अभी भाई आ चुके हैं, भाई बहुत थके हैं तो अभी सो जाएंगे एंड ये व्लॉग हम कंटिन्यू रखेंगे। कल सुबह हमें जाने हैं, एक शादी में ही जाना है एंड बोलते ना सगाई, उसमें जाना है। और यहाँ पे भाई मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है, आज मुझे लगता है मेरा आईफोन पूरी रात तक चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि कल सुबह सीधा निकलना है भाई, उठ के फ्रेश होके देखते हैं अभी। ओके गाइस, तो ये व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, कल सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है सभी लोगों का अनदर डे में। तो कल हम सामने भाई व्लॉग एंड कर दिया था एंड अब सुबह यहां से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 11 बजने वाले हैं, मैं सुबह सुबह व्लॉग शूट नहीं कर पाया इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत किलोमीटर दूर आना था एंड कार लेके हम गाड़ी लेके आए तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 2 घंटे हो गए। और अभी मैं हूँ मेरे मामा के घर पे एंड यहाँ पे सगाई थी तो यहाँ पे आए हुए थे, अभी खाना खाने के लिए जाना है लेकिन उससे पहले यहाँ पे मामा के घर पे आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बोल दूँ भाई यहाँ पे तो शूट कर लूँ कि आज का डे शुरू हो चुका है हमारा एंड मम्मी और हम दोनों आए गाड़ी लेके यहाँ पे। तो 2 घंटे यहाँ पे लगे, बीच में रास्ता थोड़ा ख़राब है तो भाई बहुत टाइम लग गया इसके हिसाब से। तो अभी यहाँ पे सबको कहना पड़ेगा, सबको भैया की शादी उसका इन्विटेशन भी सभी को देना है तो आज शाम तक शायद मुझे लगता है यहाँ पे रहना पड़ेगा एंड यहाँ पे सब कुछ। तो अभी देखते हैं क्या होता है, अभी फिलहाल चलते हैं खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं। ये वही गाड़ी है जिसको हमने जामनगर पे चलाया था अभी 2 दिन पहले ब्लॉग में। भाई इसका भाई डोर भी ओपन रख दिया किसी ने, भाई बंद करते हैं। भाई बेल तो देखो भाई क्या ही हट्टा कट्टा, भाई सींग तो देखो उसके ऊपर, यहाँ पे एक ओ भाई यहाँ पे भी है दो, भाई उसके सींग तो देखो कैसा लग रहा है भाई, ये और ये दूसरा, इसका भी देखो कैसे देख रहा है, देखो भाई कैसे मेंढक तैर रहे हैं भाई। फोटो उधर डूगी, यहाँ पे काम चालू है। ये लो भाई ये बहुत ही मस्त है भाई, विंड पार्क है। क्या नाम है? डक्स। हाय कर दो। ओके गाइज, तो फाइनली रात के 10 बज चुके हैं एंड हम घर पे आ चुके हैं। तो गाइज आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है सब, मतलब मैं वीडियो 2 दिन में एक ही व्लॉग अपलोड करता हूँ और वो 2 दिन का पूरा व्लॉग में डाल देता हूँ सिर्फ 8, 9 या 10 मिनट में। तो गाइज अभी ऐसा काम आ चुका है कुछ कि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है क्या व्लॉग शूट करूँ, मैं मोबाइल अपनी जेब में से बाहर निकालने का टाइम नहीं मिल रहा है गाइज, फिर भी मैं निकाल रहा हूँ। और मैं बाहर कहीं जाता हूँ शादी वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं कम व्लॉग शूट करता हूँ क्योंकि मैं जिस गाँव और जिस इलाके के आसपास में रहता हूँ यहाँ पर लोगों को पता नहीं है कि व्लॉग क्या होता है एंड मैं ज़्यादातर हिंदी में व्लॉग शूट करता हूँ तो वो भी थोड़ा है। एंड दूसरा कि लोग भाई अगर बाहर कहीं पे ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे मैं शूट करूँगा तो लोग हंसेंगे तो मुझे इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हंसे। ज़्यादातर लोग शूट करता हूँ ना वो ऐसे एरिया में शूट करता हूँ जहाँ पे लोग कम हो एंड एक ना एक दिन तो मैं बाहर आऊँगा एंड एक ना एक दिन पब्लिक प्लेस में भी व्लॉग शूट करूँगा। वैसे अगर बात की जाए तो जामनगर में मैं शूट करता हूँ क्योंकि वहाँ पर लोगों को पता है कि ये क्या है, ये व्लॉग है एंड वीडियो एडिटिंग, फिर भी मैं करता हूँ। एंड यहाँ पर तो टाइम ही इतना नहीं मिल रहा है, अभी गांव से हम आए यहाँ पे इतना सारा काम है ना कि मोबाइल जेब में से निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा है गाइज, इसीलिए 2 दिन में ही हम एक ही ब्लॉग अपलोड करते हैं। एंड आई होप कि गाइज यहाँ तक आप पहुँचे हो और आपने ये सब सुना हो, तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पे एंड कर देंगे एंड आई होप कि भाई आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो लाइक मारो एंड चैनल को सब्सक्राइब मारो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे एंड भाई आप लोग सपोर्ट दिखाते रहना। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।